पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ऐसी कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी से भी परेशान हो तो तुरंत हमारे क्लिनिक पर हमारा संपर्क साधे और आपका 15 से 20 मिनट में कोई भी बिना ऑपरेशन का इलाज करवाए। डॉक्टर सीमा शाह जी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से बवासीर भगंदर फिशर का गारंटी के साथ इलाज करते हैं, वो भी बिना दर्द के, बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये दावा किया गया है कि आपके क्लिनिक पर बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के जो है वो बवासीर को ठीक किया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, हम बिना चीर फाड़ के, बिना कोई भी ऑपरेशन के सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही बवासीर का, भगंदर का और फिशर का सक्सेस इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा क्या है दूसरे हॉस्पिटलों से अलग जो आपके जनता पाइल्स क्लिनिक पर है? बताया जाता है कि मशीनें भी आपके पास काफ़ी ऐसी है जिनके द्वारा इलाज किया जाता है। बिल्कुल, हमारे पास अलग अलग टेक्निक होती है, पेशेंट की जिस प्रकार से बीमारी होती है, जिस प्रकार से बढ़ी हुई होती है, स्टेज होता है, उस हिसाब से हम इलाज करते हैं। हम शार सूत्र पद्धति से भी इलाज करते हैं जो कि आयुर्वेदिक थेरापी है। उसके अलावा हमारे पास अच्छी अच्छी मशीनें हैं जिससे भी हम इलाज करते हैं और ये 100% गारंटी से इलाज होता है। लाइफ में कभी भी इनको ये दिक्कत जो है वो दोबारा बनती नहीं है। डॉक्टर साहब क्या पेशेंट को एडमिट रहने की जरूरत पड़ती है या पेशेंट को जो 15 से 20 मिनट में फारिग कर दिया जाता है? नहीं नहीं बिल्कुल एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। पेशेंट जैसे चल के आता है वैसे ही खुद से चल के जाता है, उसको कोई बेहोश वगैरह हम करते नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में करवा के वो खुद से चला जाता है, कोई एडमिशन की यहाँ जरूरत नहीं रहती। कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीर फाड़ नहीं, कोई टाके नहीं लगते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा, ये बवासीर होती कैसे है, लक्षणों का किस तरीके से पता चल पाएगा कि उसको बवासीर हो गई है, भगंदर हो गया, फिशर हो गया? देखो बवासीर, फिशर और भगंदर तीनों अलग अलग गुदामार्ग की बीमारी है। बवासीर में ये होता है कि लेटरिन के रास्ते से पेशेंट को खून आता है, गांठें बाहर आती है, कई बार दर्द भी महसूस होता है, लेटरिन बहुत टाइट आती है, फंस के आती है, उनको लेटरिन के रास्ते में बहुत जोर लगाना पड़ता है, ये सारे बवासीर के लक्षण हैं। इसके अलावा फिस्टुला जिसको भगंदर कहते हैं, ये गुदामार्ग की बहुत गंदी बीमारी होती है जिसमें मवाद आती रहती है। और एक होता है फिशर, ये भी एक अलग प्रकार की बीमारी है जिसमें लेटरिन के रास्ते पे पेशेंट को दर्द, जलन, कटाव, ये सब महसूस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब महिलाएं काफ़ी ऐसी होती है जो इन ये बीमा, अगर बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी महिलाओं को बीमारियां हो जाती है तो वो इन बीमारियों को छुपाती है, काफ़ी समय तक बताती नहीं है और उसके बाद वो बीमारियाँ काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसके बारे में क्या? बिल्कुल, महिलाएं अपनी बीमारी, आमतौर पर कोई भी बीमारी होगी, छोटी से छोटी भी बीमारी होगी तो महिलाएं अपनी बीमारी को हमेशा छुपाने की कोशिश करती है, शर्म के मारे वो घर में भी किसी को बताती नहीं है। तो महिलाओं को सबसे पहले तो मेरा ये आदेश है कि अपनी कोई भी दिक्कत हो उसको छुपाइए मत। हमारे यहाँ पे फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है, वही आपको चेक करेंगे, वो आपके इलाज करेंगे, तो तुरंत आइए और अपनी बीमारी के इलाज के बारे में सोचिए और जानिए। बिल्कुल, अगर आप इस बीमारी, इन बीमारियों को छुपाएंगे तो ये बीमारियाँ कैंसर का भी रूप धारण कर लेती है। मैम देखा जाता है कि बार बार इन बीमारियों को छुपाना महंगा पड़ जाता है और बाद में ये बीमारियाँ कैंसर का रूप ले लेती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो इन चीज़ों का ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन में भी दोबारा पनप जाती है। कई पेशेंट तो दो दो तीन तीन बार ऑपरेशन करवा के आते हैं, कई बार बवासीर का सही से इलाज नहीं लेते हैं तो वो भगंदर में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद उसमें से कैंसर भी बनने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हमेशा लगा रहता है। गुजरात में कहाँ आपका जनता पाइल्स क्लिनिक खुला है? गुजरात में भी अब हमारी जनता पाइल्स क्लिनिक की ब्रांच खुल चुकी है जो अहमदाबाद में शास्त्री नगर एरिया में स्थित है। तो अगर आप पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ऐसी कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी से भी परेशान हो तो तुरंत हमारे क्लिनिक पर हमारा संपर्क साधे और आपका 15 से 20 मिनट में कोई भी बिना ऑपरेशन का इलाज करवाए।